हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग दिखाने जा रहे हैं आपको, आप लोगों के साथ जो शेयर करेंगे वो है ड्राई डैमेज हेयर, जो जले हुए बाल है, केमिकल ट्रीटेड हेयर है, उस पर हम लोग कैसे स्मूदिंग करेंगे। सो टैंगल भी बहुत होता है ऐसे हेयर पे, तो फर्स्ट हम लोग उनका हेयर वॉश करेंगे, उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन बूस्टर अप्लाई करेंगे, जो आपका हेयर में जो हाईलाइट किया हुआ रहता है उसमें आपका फिलर का काम करेगा। ये हाईलाइट पोर्शन में स्ट्रेटनिंग स्मूदिंग क्रीम जाने से और ज्यादा डैमेज हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में हम लोग बूस्टर अप्लाई करेंगे। सो ये है बूस्टर, जैसे ये अप्लाई हो रहा है तो इस हिसाब से अप्लाई करेंगे। देन हम लोग इसको हेयर ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप आप देखो कैसे हम लोग स्मूदनिंग क्रीम अप्लाई करेंगे। ये वीडियो में हम पूरा कवर नहीं कर पाए, लेकिन हाँ जो नॉलेज देना है इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटनिंग जो करते हैं उसमें आप लोगों को पता है, देखिए जैसे आप लोग करते हो तो पता ही है कैसे करना है। इसमें स्ट्रेटनिंग क्रीम है, फ्लेक्स डाला हुआ है, इसमें 5 ml फ्लेक्स में 15 ml वाटर है। उसके बाद हम लोग ये फ्लेक्स लेके देखिए कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, मिड लेंथ से एंड तक, क्योंकि यहाँ पे उसका हाइलाइटिंग पोर्शन है और ज्यादा डैमेज पोर्शन यही है, तो क्योंकि ऊपर का तो रिग्रोथ एरिया है वो तो वर्जिन है, तो उसमें हम लोग फ्लेक्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, फ्लेक्स हम लोग मिड लेंथ टू एंड अप्लाई कर रहे हैं। अब हम लोग जो करेंगे क्रीम अप्लीकेशन करेंगे एकदम रूट से लेके मिड लेंथ तक, मतलब जहां तक उनका रिग्रोथ एरिया है। सो उतना दूर तक हम लोग लेंथ में पहले नहीं करेंगे, फर्स्ट रूट टू मिड लेंथ तक हम लोगों को, जहां तक हम लोगों का रिग्रोथ एरिया है वहां पे क्रीम एप्लीकेशन होगा, और क्रीम एप्लीकेशन के बाद में नीचे वाला पोर्शन वैसे ही रहेगा। फिर आफ्टर 15 मिनट्स हम लोग क्या करेंगे, उसी क्रीम को माइल्ड हो जाएगा थोड़ा, उसमें हम लोग केराटिन मास्क मिक्स करके वो हम लोग एंड जो होता है हेयर का उसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे। सो वो यहाँ पे किया हुआ नहीं है, देखिए हाफ किया हुआ है और लास्ट में, लेकिन हम लोग ये वाला बोल में जो रखा है वो लास्ट में आफ्टर 15 मिनट्स में हम लोग वो अप्लाई करेंगे, और उसके बाद में हम लोग हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश करने के बाद आप लोगों को सबको पता है हेयर ड्राई करना है, आयरन करना है, एंड आयरनिंग करने के बाद में फिर न्यूट्रलाइजिंग। सो ये तो आप लोगों को सबको पता है, लेकिन ये पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये पोर्शन हम अच्छा से आप लोगों को शेयर किया कि आप लोग कैसे ड्राई डैमेज हेयर पे, जो केमिकली ट्रीटेड हेयर है उस पे आप लोग कैसे स्मूदनिंग करेंगे। सो इसके बाद में लास्ट में मैं न्यूट्रलाइजर स्किप कर देती हूँ, क्योंकि वो वीडियो नहीं ले पाया। सो न्यूट्रलाइजिंग होने के बाद में आप लोगों को फुल वीडियो हम दिखा रहा है, कितना अच्छा इसका रिजल्ट आया वो आप लोगों को देखेंगे आप लोग अभी। सो ये रहा आपका फाइनल लुक, ये रहा फाइनल लुक, आप देखो कहीं पे भी ड्राई डैमेज फील नहीं हो रहा है, हेयर पे एक शाइन है, आप देख सकते हो हेयर में कितना अच्छा शाइन आया है, और जो केमिकली ट्रीटेड हेयर जहां पे उसका डैमेज था वो एरिया आप सामने से दिखा रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।